शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही निज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्म भूमि वाला बन रहा मंदिर है जय सिया राम की, नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है? प्रेम का व्याकरण पढ़ा क्या? फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी में। नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए, गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंह नाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूँ। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, बेटर है नथिंग सतमौला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सतमौला नमकीन। सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कमियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री डॉक्टर बलजीत कौर तन्हा जी। डॉक्टर बलजीत कौर तन्हा एक हास्य व्यंग का एक नया प्रतिमान है, आप सुप्रसिद्ध अभिनेत्री भी हैं, आपने बहुत ही श्रेष्ठतम कविताएं साहित्य जगत को दी हैं, काव्य जगत को दी हैं, काव्य जगत को कविताएं और हास्य व्यंग देने के साथ साथ आपने फिल्मों में भी अपना योगदान दिया है, चाहे वो ऊंचाई हो चाहे बधाई हो, अनेक फिल्मों में आपने चरित्र अभिनय किया है और उनको मैं इस रूप में भी जानता हूँ कि वह एक सुप्रसिद्ध स्कूल की प्राचार्या होने के साथ साथ आप एक सुप्रसिद्ध आप कवित्री हैं। और अगर मैं देखा जाए तो डॉक्टर सरोजनी प्रीतम के बाद मैं आपको उस स्तर पर देखता हूँ। मैं जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर बलजीत कौर तन्हा जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, और मैं बता चुकी हूँ कि मुझे हास्य के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता मधु जी। मैं तो एक दिन स्कूल से घर गई तो देखिए हास्य कहाँ से हम उठाते हैं, हास्य कहाँ से निकला था। मैं एक दिन स्कूल से घर गई तो देखा हमारी एक पड़ोसन की डेथ हो गई और सारे आसपास के जो लोग थे वहाँ इकट्ठे थे, पर मेरे पति वहाँ नहीं गए, तो वहाँ से हास्य। मैं जब घर पर गई मैंने कहा पति देव घर पर ही बैठे हो मुँह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई क्यों नहीं अफसोस कराए। मैंने कहा पति देव घर पर ही बैठे हो मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई क्यों नहीं अफसोस कराए। वो मेरी ओर देखकर बोले तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई मैं एक बार भी नहीं बुलाऊं। 4 दिन पहले मेरी और मेरे पति की हुई जोरदार लड़ाई, पति ने भगवान को गुहार लगाई, बोले हे भगवान तंग आ गया हूँ ऐसी पत्नी से, तू मुझे उठा ले, मैं कौन सी कम थी। मैंने कहा हे भगवान मैं भी तंग आ गई ऐसे पति से, तू मुझे बुला ले। पति बोले भगवान जी मेरी एप्लीकेशन छोड़ दे इसी की लगा। लेकिन प्रवीण जी हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं, हम दोनों एक दूजे से नहीं उस ऊपर वाले से डरते हैं, वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कौन है जो दूसरों को हंसाता है। और आज की जो हमारी जनरेशन है, हालांकि जनरेशन गैप मैंने देखा कि हर समय रहा, पर मेरा मानना है कि जो
हमारी पीढ़ी और आगे आने वाली पीढ़ी है, सबसे ज़्यादा अगर जनरेशन गैप हम देख रहे हैं तो आज की पीढ़ी में देख रहे हैं, क्योंकि हमने शायद बैलगाड़ी भी देखी पर हमारे जो बच्चे हैं वो सीधे 5G यानी रॉकेट के बच्चे हैं। तो वहाँ पर मैंने एक कविता लिखी है, आप सबको समर्पित करती हूँ कि वो बच्चे, कविता का शीर्षक है जी कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे। देखिए आभासी दुनिया है जी। और अभी सर मुझे बता रहे थे, जब समय से पहले हम बाहर बैठे थे तो सर मुझे बता रहे थे, बोले ये आजकल के बच्चे तो बोर हो जाते हैं तो फेसबुक पे लग जाते हैं, इंस्टाग्राम पे लग जाते हैं। मैंने कहा सर आपको क्यों टेंशन हो रही है, बोले एक मेरा जमाना था मैं बोर हो जाता था तो अखबार में माधुरी दीक्षित की फोटो पे मूछें बनाने लगता था। तो लेकिन अब हमारे जो जनरेशन के बच्चे आ गए उनके पास बहुत कुछ है, तो वहीं से ये कविता शुरू की है मैंने कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे पर माँ जब भी आवाज दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते। क्या बात है, बहुत। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे पर माँ जब भी आवाज दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। बैटरी वाली कारें या मोबाइल नहीं थे उस वक्त, बैटरी वाली कारें या मोबाइल नहीं थे उस वक्त, इसीलिए बच्चे पापा की पिद्दी पर घोड़ा बन जाते थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च, रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च, इसीलिए बच्चे पैसों का वजन ज्यादा समझ पाते। सादा ही था खान पान, बच्चों की आंखों पर नहीं थे चश्मे। सादा ही था खान पान, बच्चों की आंखों पर नहीं थे चश्मे, इसीलिए माँ बाप के आंसू उन्हें जल्दी नजर आ जाते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बार्बी डॉल की कल्पना भी शायद ख्वाबों में रही होगी उस वक्त, बार्बी डॉल की कल्पना भी ख्वाबों में रही होगी उस वक्त, इसीलिए बच्चे कपड़े की कतरन से गुड़िया बनाते थे और जूते के डब्बे में उसका घर सजाते। और एक गहरी चोट मैंने करने की कोशिश की है, अगर भाव समझेंगे तो देखिएगा कि उस वक्त मीडिया और राजनीति भी इतनी गहरी नहीं थी, मीडिया और राजनीति भी इतनी गहरी नहीं थी उस वक्त, राह चलते बच्चे रामू काका और रहीम चाचा की आवाज लगाते थे। क्या ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे पर माँ जब भी आवाज दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। शायद पढ़े लिखे नहीं थे पर अनपढ़ नहीं थे माँ बाप, शायद पढ़े लिखे नहीं थे पर अनपढ़ नहीं थे माँ बाप, वो कमरे में बोनसाई नहीं आंगन में पेड़ लगाते थे। और अब जो पंक्ति कहने जा रही हूँ उसे आप सब भी कहेंगे और मैं चाहती हूँ कि ये दर्शक इस पंक्ति को अपने साथ रख लें कि हमारे दौर के रिश्ते बिल्कुल सच्चे होते थे, उस दौर के रिश्ते बिल्कुल सच्चे होते थे, भले ही माँ बाप के पास कुछ ना हो उनके पास बच्चे होते थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी डॉक्टर बलजीत कौर तन्हा जी। तो आपने देखा डॉक्टर बलजीत कौर तन्हा जी, और इसी से आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ लापतागंज के अभिनेता शरद जोशी जी। मैं तो सौभाग्य मानता हूँ आपका भी हमारा भी कि आपने शरद जोशी जी जैसे साहित्यिक बिल्कुल कथाकार उपन्यासकार के शो में आपने उनके कहानियों के आधारित शो लापतागंज में आपने अभिनय किया। और अभिनय के साथ साथ ये भी बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप अभिनेता हैं तो आप कवि भी हैं। तो एक श्रेष्ठ आपकी कृति के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, जहाँ जोरदार स्वागत है कवि आरपी शर्मा। मोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ। और ये एक कविता है मेरी जो मैंने कुछ साल पहले लिखी थी, तब मैं बहुत बीमार हो गया था, एक एक्सीडेंट में ऑपरेशन हुआ और वो ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाया तो मैं बेड पे आ गया। तो लाखों रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन पिता क्या सोचता है अपने परिवार के बारे में, क्योंकि पैसे के नाम पे केवल मेरा एक इंश्योरेंस था। अब आप केवल इस बात को ध्यान में रख के कविता सुनिए। कविता मैंने तो खैर बाद में लिखी जब मैं ठीक हो गया, चलने फिरने लगा। एक रोज बच्चों की फीस और घर खर्च को लेके उठा बवाल, तब इस कमजोर प्राणी के मन में आया कठोर ख्याल कि जीते जी तो नहीं बन पा रहा अच्छा पिता और पति, अगर मर जाऊं
तो मेरा परिवार बन सकता है लखपति। अगर मर जाऊं तो मेरा परिवार बन सकता है लखपति। जब आत्महत्या की बात मैंने अपने मित्रों को बताई तो उन्होंने खुश होकर मेरी हिम्मत और बढ़ाई, पर जब मन की बात मैंने अपने घर वालों को बताई उस दिन मेरी पत्नी बच्चों सहित बहुत घुर्राई। मेरे सारे घर वाले मुझसे रुष्ट हो गए पर मेरे इंश्योरेंस की जानकारी पाते ही संतुष्ट हो गए। अब सबकी सहमति थी यानी सबका साथ था। अब मेरे मरने पर पूरे परिवार का विकास था। अब सब बहुत खुश थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं। सब बहुत खुश थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, पर हम बहुत दुखी थे कि शर्मा जी जाने वाले हैं। अब मेरी मौत की खुशी में जश्न मनाए जा रहे थे, मेरी मौत की खुशी में जश्न मनाए जा रहे थे, रंगीन कपड़े पहने और सफेद मैचिंग के खरीदे जा रहे थे। रंगीन कपड़े पहने और सफेद मैचिंग के खरीदे जा रहे थे, पर थोड़े दिनों में मैं मौत से घबराने लगा। अब घर वालों का लखपति बनाने का सपना टूटता नजर आने लगा। अब मैं घर वालों की नजरों में भी खटकने लगा, फिर घर जाने की बजाय कभी सम्मेलनों में भटकने लगा। क्योंकि घर जाने के नाम पे मेरी आंखों से आंसू फूटते थे, घर पहुंचते वो लोग तारीख पूछते थे। एक दिन पत्नी झल्ला के बोली, जो कहते हो उसे पूरा क्यों नहीं करते? अरे वाह, जो कहते हो वो पूरा क्यों नहीं करते हो और अपने वादे पे खरे क्यों नहीं उतरते हो? मैंने कहा, डार्लिंग, तुमसे किया हर वादा पूरा करूंगा, तुम्हारा जन्मदिन आ रहा है ना, तुम्हें गिफ्ट दे के मरूंगा। बर्च, बात गिफ्ट की थी तो वो फौरन हाँ कर गई। मेरे मरने की तारीख उस दिन और टल गई। क्या बात है। और जन्मदिन वाले रोज सुंदर कांड का पाठ हो रहा था, पीतल का दीप जल रहा था, पर मुझे तो गरुण पुराण सुनाई दे रहा था। दीपक बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और शाम को जस में पार्टी चल रही थी खास, पर मुझको तो मेरी 13वीं का हो रहा था एहसास। खैर, अगले ही रोज में बाजार से जहर भी खरीद लाया, और वादे का पक्का हूं कहके घर वालों को दिखाया। अब देखिए घर में क्या होता है। पिता की आंखें नम थी, छाती में पीड़ा हो रही थी। और कोने में बैठी मेरी प्यारी प्यारी बूढ़ी माँ रो रही थी। बेटी की आंखें नम थी, पत्नी भी रोने लगी और अपने आंखों से मेरे चरणों को धोने लगी। बोली, आप बहुत भोले हो मेरे नाथ, अरे हम तो कर रहे थे मजाक आपके साथ, आपको हुए सभी कष्टों के लिए हम बहुत शर्मिंदा है, अरे भारतीय परिवारों के संस्कार अभी जिंदा है, आप मेरा महावर, मेरी मेहंदी, मेरी बिंदी, मेरा सिंदूर हो, मेरी जान हो। बेटी बोली, पापा आप हम सब का अभिमान हो। पिता और पति का होना परिवार में बहुत जरूरी है, बिना इनके परिवार की कल्पना भी अधूरी है। बहुत बढ़िया। और आपके मात्र होने से ही हम सर्व सुखी संपन्न है, अरे भारत का हर पिता धन्य है, धन्य है, धन्य। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत, ये थे कवि RP शर्मा जी। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूँ वे हमारे बीच में, जिसको बोलते हैं ना सात समंदर पार से, यानी दक्षिणी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से, ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से हमारे बीच में पधारी हैं मधुबाला लबना। आप बहुत ही सुप्रसिद्ध गीतकार कवित्री हैं और ये मैं जो आपको उनकी कविताएं कि ये जो मुझे उन्होंने भेंट की है बहुत ही श्रेष्ठ कृति हैं। और अगर मैं देखूं तो परिचय के रूप में देना चाहूं तो बहुत लंबा परिचय है, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूँगा कि वह एक तो उनकी जो शिक्षा हुई है ग्रेजुएट फ्रॉम रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स इंग्लैंड से, उन्होंने जो कोर्स डिप्लोमा इंटीरियर आर्किटेक्चर फ्रॉम IVS से, आपने जाम्बिया में 5 साल आपने पाली कंस्ट्रक्शन में आपने इंटीरियर डिजाइनर के रूप में पद में काम किया है, हिंदू पत्रिका जो अफ्रीका जाम्बिया में है वहाँ पर आप सह संपादक रही हैं,
मेक माई ट्रिप में हॉलीडे एक्सपर्ट के रूप में काम, मतलब आप लगा लीजिए कि एक वर्किंग वूमेन है, सफल वर्किंग वूमेन के साथ साथ आप साहित्यिक, आपकी कृतियाँ हैं, आप सम्मान आपको कई देश विदेश में आपको मिला है, अनेक साहित्यिक संस्थाओं के द्वारा सम्मानित हुई हैं, और अनुराधा प्रकाशन से आपको साहित्य गौरव मिला है, सम्मान तो कई हैं जो, लेकिन मैं कुछ रूप से बताना चाह रहा हूँ। और आप अनुराधा प्रकाशन के आप संपादक मंडल में भी आप शामिल हैं, आप विशेष रूप से प्रवासी, आप जो प्रवासी सप्ताह हमारे भारत में मनाया जाता है उसके लिए आप आई थी, हमारी जो ये शूटिंग पोस्टपोन करनी पड़ी थी आपके हारे कारणों से, क्योंकि मैं उन दिनों मैं खुद विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में मैं मधुबाला लबना जी को जो मेलबोर्न से हमारे बीच पधारी हैं, जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें, कविता पाठ करें। नमस्कार, एक हास्य कविता एक हास्य गीत आपके बीच रख रही हूँ, इंटरनेट के माध्यम से हम सब जुड़े हुए हैं तो उस पर एक हास्य गीत है। हे इंटरनेट बाबा तूने कैसा रंग जमाया, हे इंटरनेट बाबा तूने कैसा रंग जमाया, धीरे धीरे पब्लिक पर अपना वर्चस्व बनाया। हे इंटरनेट बाबा तूने कैसा रंग जमाया, धीरे धीरे पब्लिक पर अपना वर्चस्व बनाया, अब तो तेरे दर्शन से ही होता है उजियारा, चक्षु खुलते ही सब बोले तेरा जय जयकारा, तेरा मोहनी रूप ही हमको सबसे ज्यादा भाया। हे इंटरनेट बाबा तूने कैसा रंग जमाया, अब पहले बैटिंग भाती हमको अब भाती है चैटिंग, पहले बैटिंग भाती हमको अब भाती है चैटिंग, घर में बैठे बैठे ही अब हो जाती है सेटिंग, वेब गेम को खेल खेल मैं भी चैंपियन बन पाया। हे इंटरनेट बाबा तूने कैसा रंग जमाया, फेसबुक और इंस्टा पर अब पूरा दिन है जाता, कभी कभी तो फोन को पकड़े ही मैं खाना खाता, जोक्स और टिकटॉक ने मुझको जीना है सिखलाया। हे इंटरनेट बाबा तूने कैसा रंग जमाया, रिश्ते नाते और मिले जब से तुम आन मिले हो, मेरी जीवन बगिया में तुम पुष्प के जैसे खिले हो, सारा विश्व घर के ही भीतर तुमने है दिखलाया। हे इंटरनेट बाबा तूने कैसा रंग जमाया। भारत की संस्कृति हमेशा से नारियों के सम्मान की संस्कृति रही है, भारत की संस्कृति में बीच में जो कुछ ऐसे कारण रहे जिन कारणों की वजह से बेटियों को, हमारी आपकी माताओं बहनों को उतने आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिले, तो वो बेटी को जब आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिलता है तो मेरी कलम ये कहती है कि माँ मेरा दाखिला करा दो मैं भी पढ़ने जाऊंगी और पढ़ लिख कर अफसर बिटिया बन जग में नाम कमाऊंगी। आज ऐसी इसी भावना को लेकर के हम सबके बीच में मेरठ से आई हुई एक रण क्षेत्र की ऐसी बेटी में एकता राणा आज अपनी कविता के माध्यम से बेटियों की आवाज को बुलंद करने के लिए आ गई है, हम सब एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। धन्यवाद प्रशांत जी। ऐसा कहते हैं कि जो स्त्री होती है वो सबको प्यार देती है, वो अपने परिवार को, बच्चों को, आसपास वालों को, सबको वो प्रेम देती है, परंतु यदि वो अपनी ही जिंदगी से कुछ पल अपने लिए जीना चाहती है या अपने लिए कुछ करना चाहती है तो क्या दृष्टिकोण सब आसपास वालों का, उसके साथ के साथ जो घर वाले हैं उनका क्या उस दृष्टिकोण उसके सामने आता है, इस पर ही मेरी कविता है। तो कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं जो मैं गीत के माध्यम से आपको सामने पेश करना चाह रही हूँ। स्वागत है। जमाने से बगावत हम सरेआम कर बैठे, जमाने से बगावत हम सरेआम कर बैठे, जमाना सोचता है दिल किसी के नाम कर बैठे, जमाना सोचता है दिल किसी के नाम कर बैठे जी। खुदी से आज खुद की हम पहचान कर बैठे, खुदी से आज खुद की हम पहचान कर बैठे, अपनी जिंदगी के कुछ पल
हम उधार कर बैठे अपनी जिंदगी के कुछ पल, हम उधार कर बैठे जमाना सोचता है दिल किसी के नाम कर बैठे। खिलाफत की है अब मैंने तो मुजरिम आम बन बैठे, खिलाफत की है अब मैंने तो मुजरिम आम बन बैठे। मुझे दोषी बना करके वो सब भगवान बन बैठे। अच्छा, क्या लिखा है? मुझे दोषी बना करके वो सब भगवान बन बैठे। जमाने से बगावत हम सरयाम कर बैठे, जमाने से बगावत हम सरयाम कर बैठे। जमाना सोचता है दिल किसी के नाम कर बैठे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जमाना सोचता है दिल किसी के नाम कर बैठे। तो मेरी अगली कविता इसी विषय पर है कि हम जिस तरीके से हम स्त्री को और पुरुष में तुलना करते हैं या उसको कंपेयर करते हैं या फिर ये कहते हैं कि भाई स्त्री इस चीज में कम है या पुरुष कम है, तो इसी विषय पे मेरी एक कविता है जी। और स्त्री ही किस प्रकार से इस चीजों से जूझती है और लड़ती भी है जी। तो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं हूं धरती की नारी और मैं हूं मां। क्यों काट दूं, क्यों छाट दूं, क्यों बांट दूं कि वो नर है या नारी। जब धरती माँ ने नहीं किया भेद, भार है उठाया चाहे वो नर हो या नारी। जब मैं धरती पर बनी माँ, क्यों काट दूं, क्यों छाट दूं, क्यों बांट दूं कि वो नर है या नारी। जब गंगा माँ ने नहीं किया भेद, सबके पाप धोए सबके जीवन तारे। तो जब मैं धरती पर बनी माँ, क्यों काट दूं, क्यों छाट दूं, क्यों बांट दूं कि वो नर है या नारी। बहुत अच्छा। जब लक्ष्मी माँ ने धन दिया, संपन्न किया, माँ ने सबको अन्न दिया, तो जब मैं धरती पर बनी माँ, क्यों काट दूं, क्यों छाट दूं, क्यों बांट दूं। बहुत अच्छे। जब दुर्गा शक्ति ने दुष्टों से रक्षित किया, माँ ने सबको प्रेम दिया, तो जब मैं धरती पर बनी माँ, क्यों काट दूं, क्यों छाट दूं, क्यों बांट दूं कि वो नर है या नारी। जब धरती माँ बांट दे, जब गंगा माँ छाट दे, जब लक्ष्मी माँ ना प्रेम दे, जब दुर्गा शक्ति काट दे, तब मैं भी समझ जाऊंगी ये दुनियादारी। जब मैं धरती पर बनी माँ, क्यों प्रेम की ना धार दूं, क्यों ममता ना उमार दूं, क्यों अन्न से ना पोषित करूं, क्यों ना मैं रक्षित करूं, क्यों जीवन ना सवार दूं चाहे वो नर हो या नारी। तू काट दे, तू छाट दे, तू बांट दे, ना मुझसे कह, ना मुझसे कह, ना मुझसे कह। धन्यवाद। ये थी सतमोला कवि चौपाल की वरिष्ठ लोगों की टीम। और सतमोला कवि चौपाल में मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद प्रशांत अवस्थी के साथ। आप इस कार्यक्रम में दोबारा हम मिलने जा रहे हैं आफ्टर द ब्रेक सतमोला कवि चौपाल में। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला, तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। अंतराल के बाद में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चहेते कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल। शुरुआत करते हैं प्रेम से, शुरुआत करते हैं सौंदर्य से, शुरुआत करते हैं सुरीलेपन से। सुरीलेपन की बात करें तो आपको लग रहा होगा कि उसमें कुछ यहां पर गुंजित होने वाला है। बिल्कुल सही समझा आपने। हमारे बीच में देश की प्यारी बेटी इंदौर की भूमि से आ चुकी है, जिसका नाम है गुंजा गुंजन लव। एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं कि वो आए और अपना काव्य पाठ करे। सुनो, कभी थोड़ा खुद से प्यार करके देखो। वाह। जो हो तुम कभी खुद को स्वीकार करके देखो। अच्छा। जो नहीं है किस्मत में वही तो पाना है। yeah. जो नहीं है किस्मत में वही तो पाना है।
खुद अपने आप को तराश कर हीरा बनाना है। वाह, अपने आप को तराश कर हीरा बनाना है। कभी थोड़ा खुद से प्यार करके देखो, जो हो तुम कभी खुद को स्वीकार करके देखो। क्या हुआ अगर तुम्हारा रंग सांवला है तो, क्या हुआ अगर तुम्हारा रंग सांवला है तो, भगवान कृष्ण ने खुद सांवले रंग में अवतार लिया था जी। और उससे भी वो उसका सबका मन मोह लेते थे। क्या बात है। क्या हुआ अगर तुम मोटे हो तो, क्या हुआ अगर तुम मोटे हो तो, अरे खाते पीते घर के हो यार, टेंशन क्यों लेते हो। क्या बात। क्या हुआ अगर तुम्हारी हाइट छोटी है तो, क्या हुआ अगर तुम्हारी हाइट छोटी है तो, कम से कम सपने तो बड़े रखो। क्या हुआ अगर तुम अच्छे नहीं दिखते हो तो, तुम्हारे चेहरे पर दाग धब्बे हैं तो, चेहरे तो वैसे भी वक्त के साथ ढल ही जाते हैं, कम से कम अपना दिल तो साफ रखो। बहुत अच्छे। सुनो, कभी थोड़ा खुद से प्यार करके देखो, जो हो तुम कभी खुद को स्वीकार करके देखो। क्या हुआ अगर तुम्हें किसी ने ठुकरा दिया तो, क्या हुआ अगर किसी ने तुम्हें ठुकरा दिया तो, कम से कम वो ऊपर वाला तो है तुम्हारा हर कदम पे साथ देने के लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस उसके साथ को तुम महसूस करते रहो। कमी देखने के लिए तो सारी दुनिया है, कमी देखने के लिए तो सारी दुनिया है, तुम खुद तो कम से कम अपने अंदर अच्छाई देखो। क्या बात है, बहुत अच्छा। कभी थोड़ा खुद से प्यार करके देखो, जो हो तुम कभी खुद को स्वीकार करके देखो। तुम बोलते हो कि मैं बहुत गरीब हूँ, अरे भाई गरीब है तो वही तो करना है, अरे भाई गरीब है तो वही तो करना है कि अपनी मेहनत से खुद को बुलंदियों पर पहुंचाना है। बहुत अच्छा। तुम पैसे की बात करते हो, दुनिया के बहुत सारे अमीर लोग सिर्फ बहुत पैसा होने के बाद भी सिर्फ कुछ सांसों के लिए, कुछ खुशियों के लिए तरस रहे हैं। वो अपना अथाह पैसा दे देने के बाद भी अपने जिंदगी की सांसों के कुछ पल नहीं खरीद सकते। तेरे पास कम से कम ये सांसें तो हैं, तो गर्व कर, ये सांसें हैं और अपनी मेहनत से मेहनत कर, पसीना बहा और अपनी जिंदगी को बुलंदियों पर पहुंचा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार। ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे पास जिंदगी के कुछ पल हैं और अब तुम अपनी जिंदगी में मिडिल क्लास पैदा हुए हो, तो ये तुम्हारी किस्मत में नहीं था कि तुम किस तरह पैदा हो, बट अगर तुम मिडिल क्लास मर जाओगे तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। इसलिए तुम जो हो कभी खुद को स्वीकार करके देखो। जो नहीं है तेरी किस्मत में वही तो मेहनत से पाना है, जो नहीं है तेरी किस्मत में वही तो मेहनत से पाना है, और अपने आप को तराश कर हीरा बनाना है, अपने आप को तराश कर हीरा बनाना है। जिस दिन बन जाओ तुम हीरा अपनी सफलता को अपने तक सीमित मत रखना, अपनी सफलता को अपने तक सीमित मत रखना, अपनी सफलता और खुशियां को इस जहां में भी बांट आना तुम, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी कि जब भी आप डिप्रेस हो, परेशान हो, तो आपको सिर्फ ये सुनना है, आए तूफान तो बचकर निकलना सीखो, लगे ठोकर तो गिरकर संभलना सीखो। या तो तुम वक्त के माहौल को बदल दो या फिर वक्त के माहौल पर चलना सीखो। बहुत अच्छे, बहुत बहुत ही शानदार। बड़ी मीठी मीठी मधुर आवाज में गुंजन ने अपने गूंज से जो प्यार यानी कि लव की, जो स्नेह की, जो प्रेरणा की ज्योत जलाई है, हमें कभी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए और इसी भेदभाव को मिटाने के लिए,
इसी भेदभाव की बात करने के लिए, इसी भेदभाव के कुछ ऐसे विषय को लेकर के हमारे बीच में एक अगले कवि के रूप में पधार रहे हैं डॉक्टर गजेंद्र व्यास रतलाम से, जो आएंगे और अपनी कविता के माध्यम से एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे को रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हाल ही में महिला दिवस निकला है, तो उसी को लेके मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने शेयर करूंगा। स्वागत है। अभी हर जगह महिला दिवस की शुभकामनाएं चल रही, तो मैंने हमारे एक भाई साहब को भी महिला दिवस की शुभकामनाएं दी, तो उन्होंने एक सवाल किया कि क्या बात है भैया, यहाँ पर सभी महिलाएं भी महिलाओं की बातें कर रहे हैं और सारे पुरुष भी महिलाओं की बातें कर रहे हैं, तो आखिर ये पक्षपात क्यों? तो उनका जवाब मैं इस मंच के द्वारा देने आया हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो जैसा कि महिला दिवस जो है उसकी शुरुआत होती है छोटी बेटियों से, तो बेटी की जो फीलिंग है, जो भावनाएं हैं, जो आजकल के परिदृश्य में आप देख रहे हैं, तो वह विचार, उसकी जो भावनाएं हैं, वो मेरे शब्दों के द्वारा मैं आपको बताने आया हूँ। स्वागत है। मैं एक बेटी हूँ, हाँ मैं एक बेटी हूँ, थोड़ी नन्नी हूँ, थोड़ी मुन्नी हूँ, हाँ मैं एक बेटी हूँ, पापा का ताज हूँ, मम्मा का नाज हूँ, दिल का एक राज हूँ, हर घर की साज हूँ, हाँ मैं एक बेटी हूँ, चिड़िया की चहक हूँ, बगिया की महक हूँ, चिड़िया की चहक हूँ, बगिया की महक हूँ, सुबह की किरण हूँ, रात की रौनक हूँ, हाँ मैं एक बेटी हूँ। अब जो एक ज्वलंत मुद्दा है कि गर्भ में कन्या भ्रूण की हत्याएं होती है हमारे देश में, जो कि हमारे लिए बहुत ही दुखद और गलत चीज है, तो उस चीज को लेकर मैं उस कन्या की जो भावनाएं हैं वो आप तक पहुंचाना चाहूंगा। क्यों फना कर देते हो तुम हमको, क्यों फना कर देते हो तुम हमको, जन्म से पहले ही मौत दे देते हो हमको, नहीं जानते क्या तुम ना समझ, नहीं जानते क्या तुम ना समझ, सीता सरस्वती काली भी मैं हूँ, लक्ष्मी बाई अहिल्या बाई मीरा बाई मैं हूँ, हाँ मैं एक बेटी हूँ। इतने कैसे तुम मर्म रहित होते हो, एक कन्या को तुम निर्भया कर देते हो, हाँ मैं एक बेटी हूँ। अब ये सब घटनाएं होने के बाद जो एक करुण आह निकलती है वह आपके दिलों तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। स्वागत है। ऐसे दुष्टों को श्राप हूँ, तड़पते आंसुओं की भाप हूँ, हाय क्या बात, ऐसे दुष्टों को श्राप हूँ, तड़पते आंसुओं की भाप हूँ, धरती की छाती का आलाप हूँ, दुखियारी माँ का प्रलाप हूँ, हाँ मैं एक बेटी हूँ, हाँ मैं एक बेटी हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अब जब बात बेटी की हो रही है, तो बेटियां जब बड़ी होती है तो उनके घर संसार को वो संभाल लेती है, और वह एक पत्नी का दायित्व भी किस तरह से निभाती है, और विशेषतः कुछ वर्षों पहले हमने कोरोना काल में लॉकडाउन का सामना किया, उसमें एक पत्नी की भूमिका क्या रही है, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। स्वागत है। पत्नी अर्थात होती है वाइफ, पत्नी अर्थात होती है वाइफ, आज लॉकडाउन में है हम सबकी लाइफ, उस लाइफ पर कृपा कर रही है आपकी वाइफ, बाहर हर सामान जहां प्रतिबंधित है, बाहर हर सामान जहां प्रतिबंधित है, आपके घर में रोज नया पकवान प्रबंधित है, हाय पहले रोज रोज, पहले बच्चे बोलते थे कि मम्मा क्या रोज रोटी बना देते हो, कुछ नया बनाओ, तो पहले रोज रोज रोटी से भी बोर हो गए, लेकिन आज पिछले कई दिनों से रोटी से भी दूर हो गए, बच्चे बड़ों को आराम मिला है मस्त, और वाइफ के लिए दिन हुआ थोड़ा सा और भी सख्त, साथ बैठे लोग सब लोग बैठे हुए मार देते हैं ऑर्डर, क्योंकि अब बाहर नहीं मिल रहा है पिज्जा और बर्गर, हाय हम तो भैया आराम से ही लेट उठेंगे, क्योंकि सोने का उठने का सभी वर्किंग सारा बंद था, तो उस दौरान कोई भी जो डेली रूटीन है वो सारा डिस्टर्ब था जी। लेकिन उसमें भी हम कितने निष्ठुर थे ये आपको अगली कुछ पंक्तियों में मैं बताऊंगा। स्वागत है। हम तो भैया आराम से ही लेट उठेंगे, पर बेड पे ही चाय के लिए मर मिटेंगे,
हमारा नहाना धोना उठना जागना कोई फिक्स नहीं, हमारा नहाना धोना उठना जागना कोई फिक्स नहीं, लेकिन खाने पीने चाय नाश्ते में कोई रिस्क नहीं। आए, आए। खाकर सोना, ये जो उस दौरान जो शेड्यूल चल रहा था वो आपको दिखाना चाहूंगा। खाकर सोना उठकर खाना फिर चाय नाश्ता भी आ जाना, कब बोला हमने उसको कुछ देर तुम भी सो जाना। मस्त मौज में कट रही थी सबकी लाइफ और आनंद की इस नींव में सिर्फ है आपकी वाइफ। थैंक यू, बहुत अच्छे। और गजेंद्र व्यास भैया जो जितने गुलगुले लग रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूं कि घर पर भरपूर मात्रा में ये भोजन कर रहे हैं और जो इन्होंने कविताएं पढ़ी वो कविताएं दोनों की दोनों मातृशक्ति को नमन करते हुए, मातृशक्ति को बढ़ावा देते हुए इन्होंने पढ़ी, इस बात के लिए ये धन्यवाद के पात्र हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है यह भी प्रभाव हो कि इन्होंने देखा कि यहाँ पर मातृशक्ति पढ़ने की संख्या में ज़्यादा है। गाजियाबाद से पधारी हुई उनकी ही बहन पूनम तोमर को कि वो आएँ और अपने प्रेरणादायक कविता, अपने प्रेरणादायक कथन के माध्यम से इस काव्य पाठ को आगे की ओर ले जाएं। स्वागत, स्वागत। थैंक यू करना चाहूंगी क्योंकि यहाँ आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, तो मैं शुरू कर दूंगी। मेरी कविता का नाम है बढ़ता चल। हौसले है बुलंद, अगर हौसले है बुलंद तो कोई सफर मुश्किल नहीं है। अगर हौसले है बुलंद तो कोई सफर मुश्किल नहीं है। ख्वाब जो देखे हैं उन्हें पूरा तो कर, ख्वाब जो देखे हैं उन्हें पूरा तो कर। ये ख्वाब है बहुत खूबसूरत, ये ख्वाब है बहुत खूबसूरत, बस एक कदम बढ़ाना है। ये ख्वाब है बहुत खूबसूरत, बस एक कदम बढ़ाना है। ये जिंदगी मिलेगी ना दोबारा जीले जरा, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जीले जरा, बढ़ता चल बढ़ता चल बढ़ता चल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ पे मैं फिर अपनी दूसरी पंक्ति कहूंगी। जो भी है आज है कल का क्या सोचे, जो भी है आज का कल क्या क्या सोचे, सिर्फ आज का सोचे, क्योंकि अगर आज है खुशियाँ तो कल भी खुशियाँ आएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खुश रहने से और खुश रहने से तेरी तकदीर बदल जाएगी, खुश रहने से ही तेरी तकदीर बदल जाएगी। आज तेरा इम्तिहान है, आज तेरा इम्तिहान है, आने वाले वक्त में सबको होने वाला तुझ पे अभिमान है। आने वाले वक्त में होने वाला है सबको तुझ पे अभिमान है। ये मत सोच कि कैसा रास्ता है, कैसा कठिन रास्ता है, बस बढ़ता चल, कुछ मत सोच, बस बढ़ता चल, आगे आगे बढ़ता चल, चलता चल, चलता चल। बहुत बात है, बहुत अच्छा। माना सफर लंबा है, माना सफर लंबा है पर फिर भी गुजर जाएगा, माना सफर लंबा है पर फिर भी गुजर जाएगा। जो हिम्मत कर जाएगा, जो हिम्मत कर जाएगा वो मंजिल तक पहुंच पाएगा। वाह वाह। जो हिम्मत कर जाएगा वो ही मंजिल तक पहुंच पाएगा। बढ़ता चल बढ़ता चल बढ़ता चल, चलता चल चलता चल चलता चल। बहुत ही शानदार। अपनी सोच में पागलपन जिद और जीत का जुनून भर, अपनी सोच में पागलपन जिद और जीत का जुनून भर। यहाँ पे मैं इस लाइन का मतलब समझाना चाहूंगी। क्या आपको पता है जब कोई इंसान पागल होता है, जिद होती है उसको, तो वही इतिहास रचता है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि अपनी सोच में पागलपन जिद और जीत का जुनून भर, हौसले बुलंद कर और अपने ऊपर भरोसा कर। वाह। हौसले बुलंद कर और अपने ऊपर भरोसा कर, बढ़ता चल बढ़ता चल बढ़ता चल, चलता चल चलता चल चलता चल। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। अगर अपने लक्ष्य को पाना है, हर किसी का लक्ष्य होता है, अगर अपने लक्ष्य को पाना है तो अर्जुन जैसी सोच रख, अर्जुन बन जा, अर्जुन बन। अगर अपने लक्ष्य को पाना है तो अर्जुन बन। मत सोच कि तू कौन है, तुझे क्या करना है, कैसे करना है, बस अर्जुन बन, उसकी जैसी सोच रख, बढ़ता चल बढ़ता चल बढ़ता चल। बहुत बहुत बढ़िया। जिंदगी सबको एक ही बार मिली होती है, तो लेकिन क्या होता है, कुछ लोग ना जिंदगी को ऐसे निकाल देते हैं, कुछ लोग सपने देखते हैं और सपनों को हमेशा पूरा करने के सोचते हैं, क्योंकि जिंदगी सबको मिली है, ये मानव शरीर सबको मिला है, कुछ ना कुछ करके जाएं तो बहुत अच्छा है, नाम करके जाएं तो बहुत अच्छा है,
इसलिए हमें हमेशा अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये जिंदगी कैसी है, कैसे जी है, ये जिंदगी कैसे जी है ये जरूरी नहीं है। ये जिंदगी कितनी जी है ये जरूरी नहीं है, ये जिंदगी कैसे जी है ये जरूरी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर तू थक गया तो थोड़ा आराम कर, अगर तू थक गया तो थोड़ा सा आराम कर, अगर तू थक गया तो थोड़ा सा आराम कर, लेकिन पीछे मुड़ कर ना देख, लेकिन पीछे मुड़ कर ना देख, आगे चलता चल। लेकिन पीछे मुड़ कर ना देख, आगे चलता चल, बढ़ता चल, बढ़ता चल, बढ़ता चल। अब तो मंजिल बहुत नजदीक आ गई है। अब तो मंजिल बहुत नजदीक आ गई है, विजय पताका लहरा रही है। अब तो मंजिल बहुत नजदीक आ गई है, विजय पताका लहरा रही है। इतिहास के पन्नों में तेरा भी नाम लिखा जाएगा। इतिहास के पन्नों में तेरा भी नाम लिखा जाएगा। तू भी महाराणा बापू और वीर शिवाजी की श्रेणी में रखा जाएगा। तू भी बापू महाराणा और शिवाजी की श्रेणी में रखा जाएगा। इसलिए मत सोच, बढ़ता चल, बढ़ता चल, बढ़ता चल, चलता चल, चलता चल, चलता चल। निर्भयता के साथ हमको आगे बढ़ना है और बढ़ते हुए चलना है। रतलाम की भूमि से हमारे बीच में पधार रहे हैं नरेंद्र सिन्हा जी, अपनी काव्य रचना को लेकर के। आइए स्वागत करते हैं। स्वागत। दुआएं तो रकीबों के लिए भी कर लिया करो कभी कभी, ये सवाब ही काम आएंगे वक्त मुसीबतों में। अर्थ करता हूं, इस नाज से कहा आंखों से कुछ तुमने, मैं नादा था जो समझ न सका पर अच्छा लगा। इस नाज से कहा आंखों से कुछ तुमने, मैं नादा था जो समझ न सका पर अच्छा लगा। कभी जो कह दूँ वही बात मैं तो, झूठ ही कह देना तुम कि अच्छा लगा। तू बेवफा है ये मेरी गफलत ही हो तो अच्छा है, तू बेवफा है ये मेरी गफलत ही हो तो अच्छा है। तुझे चाहूँगा मैं कयामत की हद तक, तुझे चाहूँगा मैं कयामत की हद तक, ये मोहब्बत कौल मेरा सच्चा है। कहते थे गालिब के इश्क वो आग का दरिया है और डूब के जाना है, चल रहने दे हुकुम इसमें तो तू अभी बच्चा है। दे जमाना दुहाई नाम के उसकी, ऐसी फितरत रुतबा उसका, वो किसी के लिए भले ही कैसा हो मगर नरेश मेरे लिए तो अच्छा है। ये मोहब्बत कौल मेरा सच्चा है, तुझे चाहूँगा मैं कयामत की हद तक, ये मोहब्बत कौल मेरा सच्चा है। और लगा दिल थोड़ा, और लगा दिल थोड़ा जाँ के साथ भी, और लगा दिल थोड़ा जाँ के साथ भी, रंग आशिकी ये हिना महज़बी, हाथों में तेरे अभी कच्चा है। और लगा दिल थोड़ा जाँ के साथ भी, रंग आशिकी ये हिना महज़बी, हाथों में तेरे अभी कच्चा है। तू बेवफा है ये मेरी गफलत ही हो तो अच्छा है। मत कीजिए आप तिजारत मोहब्बत ना, मत कीजिए आप तिजारत मोहब्बत उससे नरेश, मत कीजिए आप तिजारत मोहब्बत उससे नरेश। कहते हैं सब जहां वाले, कहते हैं सब जहां वाले, सिन्हा साहब वो शख्स बड़ा टुच्चा है। अगली नज्म है, हम उंगलियों पर गिनते हैं अपने दुश्मनों का नाम, हम उंगलियों पर गिनते हैं अपने कातिलों का नाम, हसीन की उस हंसी कमाने नज़र को देखकर, हसीन की उस हंसी कमाने नज़र को देखकर, लगता है कि मेरा कातिल आ गया। मेहरबान हो करके सरेआम करते हैं वो मेरा चर्चा,
मसरते जुनू में बांट कर ईदी हम करते हैं लोगों में खर्चा। न ठुकराओ के ठोकरों में उम्र बीत गई क्या करें, न ठुकराओ के ठोकरों में उम्र बीत गई क्या करें, सलू के जहां जैसा ही आप भी करें तो क्या करेंगे। तुम किसी का नाम लेकर जियो और मैं तेरा, तुम किसी का नाम लेकर जियो और मैं तेरा, न जी सकूं मैं और वो भी जो मरे तो क्या करें। सलू के जहां जैसा ही आप भी करोगे तो क्या करें। सुर्ख लब तेरे आबाब वो हयात मुझे न मिली, सुर्ख लब तेरे आबो हयात मुझे ना मिली, मिली जिन्हें उन्हें ही क्यों मिली, ये सोच कर ही जान सके सुलू के जहां जैसा ही आप भी करेंगे तो क्या करें। सोचूं मैं ये कि नरेश जहां से चले पर कहां चले, सोचूं मैं ये कि नरेश जहां से चले पर कहां चले, तू है यहाँ तो छोड़ कर कहीं जाने का दिल न करे, सलू के जहाँ जैसा ही आप भी करोगे तो क्या करें। नमस्कार। नरेंद्र जी के इस काव्य पाठ के बाद में मैं बुलाना चाहता हूँ, अब वक्त हो चुका है वीडियो सेगमेंट का, और इस वीडियो सेगमेंट में आज हमारे बीच में राजस्थान की वीर भूमि से गुरु दीन वर्मा जी पधार रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं। नमस्ते, मैं आज आपके सामने जो रचना सुना रहा हूं उसका शीर्षक है वो यार जो पाकिस्तानी है। ये रचना मैंने उस वक्त लिखी थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल युद्ध हुआ था, और ये रचना मैंने उस वक्त में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल मुशर्रफ को इंगित करते हुए लिखी है। तो पेश है आपके सामने मेरी रचना। आंखों से लगता है चीनी, चेहरे से हिंदुस्तानी है, अमेरिका से उसकी यारे वो यार जो पाकिस्तानी है, खुद तार नहीं गतारे वो पल भर में रंग बदलता है, एतबार करे कैसे उसका वो यार जो पाकिस्तानी है। आंखों से लगता है चीनी। अब पाकिस्तान कितना दमदार है, कितना वह ताकतवर है, तो पेश है आपके सामने मेरी अग्नि पंक्तियां। दमदार नहीं कमजोर वो, दमदार नहीं कमजोर वो, अपने दम पर जंग लड़ता नहीं, फैलाता है दशत गर्दी, अमन पसंद उसको नहीं, वह मर्द नहीं ना मर्द एक, वह मर्द नहीं ना मर्द एक, आखिर भी उसकी जवानी है, अमेरिका से उसकी यारी वह यार जो पाकिस्तानी है, वह यार जो पाकिस्तानी है। अब वास्तव में क्या पाकिस्तान विश्वास के लायक है क्या? हमने जितनी बार भी उसके ऊपर विश्वास किया उसने उतनी बार हमारे साथ विश्वासघात किया। एक बार नहीं कई बार कहा, विश्वास किया इंतजार किया, छुप छुप के उसने वार किया, और हमको ही बदनाम किया, करता है खूब अपनों का ही, करता है खूब अपनों का ही, हरकत उसकी शैतानी है, अमेरिका से उसकी यारी वो यार जो पाकिस्तानी है, आंखों से लगता है चीनी। अब पैसे आपके सामने इस रचना का आखिरी अंतराल। बस भूल हुई हमसे यही, लो उसको अपना मान लिया, सीने से लगा कर हमने उसे अपने घर सा सम्मान दिया, वो पाक नहीं एक पापी है, वो पाक नहीं एक पापी है, वो दिल से एक हैवानी है, अमेरिका से उसकी यारी वो यार जो पाकिस्तानी है, वो यार जो पाकिस्तानी है। मैं आपके सामने वो रचना पेश कर रहा हूँ जिस रचना को मैं अक्सर हर मंच पर हर कवि सम्मेलन में गाता हूँ,
और इसका शीर्षक है तो काम यही करना। हमको ऐसा काम करना है कि हमारे देश के अंदर कोई ऐसी चिंगारी पैदा नहीं हो जिससे विभिन्न धर्मों के बीच में जो आपसी सौहार्द है वो ख़त्म हो। तो ऐसी चिंगारी हमारे को नहीं जलानी है। मैं इस कविता के मार्फत सभी से यही निवेदन करता हूँ। तो पैसे आपके सामने मेरी रचना। हर दिल को लगी प्यारी बड़ी के नई चिंगारी आवाज यही देना तो काम यही करना बदनाम नहीं होना बदकाम नहीं करना। गुम अंधेरों में था मुझको रोशन किया किसी ज्योति ने मुझको यूं जीवन दिया। पैदा उस घर हुआ थी गरीबी जहां काटते हर कदम नई सुविधा जहां जीवन खुशियों से शिक्षा ने तब भर दिया किसी ज्योति ने मुझको यूं जीवन दिया किसी ज्योति ने मुझको यूं जीवन दिया। जग की रस्मों रिवाजों से अनजान था ना कोई शोक था इतना नादान था। जग की रस्मों रिवाजों से अनजान था ना कोई शोक था इतना नादान था। कुछ सपनों ने मुझको जगा तब दिया किसी ज्योति ने मुझको यूं जीवन दिया किसी ज्योति ने मुझको यूं जीवन दिया। एक हमारे जीवन में एक ज्योति वो होती है जो हमारा हम सफर होती है वो भी एक ज्योति लेके आती है और हमारे जीवन को रोशन करती है। तो महके गुलशन मेरा ऐसा हमदम मिले घर वो आबाद मेरा प्यार खुशियाँ मिले। मुकम्मल मेरे सपनों को उसने कर दिया मुकम्मल मेरे सपनों को उसने कर दिया किसी ज्योति ने मुझको यूं जीवन दिया। गुम अंधेरों में था मुझको रोशन किया किसी ज्योति ने मुझको यूं जीवन दिया किसी ज्योति ने मुझको यूं जीवन। गुरुदीन वर्मा जी के इस बेहतरीन काव्य पाठ के बाद में दोस्तों मन तो नहीं हो रहा है आपसे इजाजत लेने का लेकिन फिर भी समय हमको बांध के रखे है आज चलना पड़ेगा लेकिन हम आपसे दूर इस वादे के साथ में जाएंगे कि अगले एपिसोड में नए कवियों को सजा करके नए गुलदस्तों को सजा करके लाएंगे। दोस्तों सतमोला कवियों की चौपाल आज अपने 20 वर्ष पूर्ण कर चुका है और इन 20 वर्षों में देश को उसने तमाम बड़े बड़े हजारों ऐसे साहित्यकार दिए जो आज देश ही नहीं विदेश में अपने नाम को रोशन कर रहे हैं भारत के नाम को रोशन कर रहे हैं। अगर आपके अंदर भी कोई कवि है और वो कवि हृदय देश और विदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहता है तो उस कवि हृदय का भी सतमोला कवियों की चौपाल स्वागत करती है। आइए इस सतमोला कवियों की चौपाल से जुड़िए। जुड़ने के लिए आपको नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर 9711118283 एक बार आप हिंदी में भी सुन लीजिए 9711118283 पर संपर्क करें। आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा इस पर व्हाट्सएप करें और आए यहां से जुड़ करके अपनी प्रतिभा को विश्व स्तर पर फैलाएं। नमस्कार जय हिंद। ठीक है।
सतमौला कवि चौपाल के अंत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और मेरे बाल सखा जाहिद शाह जी। जाहिद शाह जी की फिल्म कंपनी है, निर्माण कंपनी है, कई अपने उन्होंने कार्यक्रम बनाए हैं और आज ही मैं इस अपने कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि मैं भी गलती से फिल्म अभिनेता रहा हूं। वो बात अलग है कि समय के कालखंड ने मुझे साहित्य की तरफ भेजा तो वहां का मैं हो गया, लेकिन आज भी मेरा फिल्मों से जुड़ाव है। आज मैं फिल्म समीक्षक क्रिटिक के रूप में और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो गोवा में होता है भारत सरकार की ओर से, उसका मैं प्रियो कमेटी मेंबर हूँ 7-8 सालों से। और जाहिद भाई भी, जाहिद भाई ने और हमने एक फिल्म में काम किया था, यही है जिंदगी, और वो बात अलग है कि पहली फिल्म थी वो डब्बा बंद होकर रह गई थी, लेकिन और भी थिएटर वगैरह भी हम साथ साथ रहे और युग दृष्टा पता नहीं कितने हमने कई नाटकों में हमने काम किया, थिएटर किया। आप इस बीच मुंबई चले गए और बहुत इसमें संघर्ष के करते करते आज आप एक सफल अभिनेता हैं, निर्माता हैं जाहिद शाह जी, और कई आपने OTT पर मैक्स प्लेयर पे, डिज्नी पे कई आपने एक वेब सीरीज़ दी हैं और एक हमारी नई वेब सीरीज आने वाली है संयुक्त रूप से हवाई चप्पल, और ये कॉमेडी क्राइम होगा। वो जाहिद शाह जी का ये सारा प्रोजेक्ट है जिसमें कहीं ना कहीं अपनी भूमिका रहेगी। और ये साथ ही साथ आज हमारे बीच में सतमौला कवि चौपाल में आज हमारे बीच में आए हैं, ये मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ सतमौला कवि चौपाल में। और मैं कुछ संदेश ना लेकर के मैं इनसे बातचीत करूँगा। सतमौला कवि चौपाल में जाहिद जी आप आए, आप साहित्य यानी कविता, गीत और वर्तमान में सिनेमा, उसकी स्थिति पर आप क्या कहेंगे? सतमौला जो कवि चौपाल है उसको देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमन और नमस्कार, आदाब। बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है और हमारे बचपन के मित्र परवीन भाई ने इसकी शुरुआत तकरीबन 20 साल पहले की थी और मुझे नहीं लग रहा था कि ये इतना लंबा सफ़र खींच पाएंगे, लेकिन इनकी लगन और इनकी मेहनत और आप लोगों की मोहब्बत इसने इस जगह पर सतमौला को लाके खड़ा कर दिया है कि आज लोग जो हैं इसको पसंद कर रहे हैं, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई दूंगा और समस्त टीम को बहुत बधाई दूंगा। रही जहाँ तक साहित्य की बात, बड़ा अफसोस होता है कि फिल्म इंडस्ट्री जो है आज साहित्य का साथ छोड़ चुकी है। अभी प्रवीण भाई ने बताया कि गीत, साहित्य और जो हमारी अपनी संस्कृति है जिसको हम छोड़ करके आज पश्चिमी सभ्यता को, या हम पश्चिमी संस्कृति को कह रहे हैं कि जिस तेज़ी से अपना रहे हैं, ये बहुत दुखद है। और मेरा एक बड़ा एतराज़ है अपने ही दोस्तों से, अपने ही फिल्म मेकर से, अपने ही भाइयों से कि हमारी फिल्मों के अंदर कोई एक ज़माना हुआ करता था कि कोई भी हमारी फिल्म बिना भजन की नहीं हुआ करती थी। दिलीप कुमार साहब भजन गाया करते थे, मनोज कुमार साहब ने भजन गाए। आज भजन लुप्त हो गए, क्यों, कहाँ गए वो सारे के सारे भजन? आज मैं अगर अपने बच्चों से कहता हूँ कि दिलीप साहब का ये भजन देखिए, गोपी फिल्म का आप भजन देखते हैं, इस कदर मकबूल था, और आपने एक भजन देखा होगा बैजू बावरा के अंदर था जो दुनिया का सबसे मशहूर भजन कहलाता है। अब देखिए इसकी एक विशेषता जो है वो क्या है इस भजन की, के जो बैजू बावरा के अंदर था, कि इसको जो लिखा था वो शकील बदायूं साहब ने लिखा था, इसको जो म्यूजिक की दिया था वो नौशाद साहब ने दिया था, और इसको जो गाया था वो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया था। तो और वो दुनिया का सबसे बेहतरीन भजन आज की डेट के अंदर होता है। तो एक हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री थी जिसके अंदर हम लोग जो हैं गुथमुत गए थे एक साथ, आज वो गुथमुत कहाँ गए? हम लोग एक प्याली है, एक हानने वाला, एक हमने वाला जो थे, जिस तरीके से हम बात करते थे, आज वो हमारी संस्कृति जो है वो नहीं दिख रही है, वो मेलजोल नहीं दिख रहा है। तो हमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि हमें
पश्चिमी जो है मतलब सभ्यता को या संस्कृति को नहीं अडॉप्ट करना चाहिए, उनकी कहानी को नहीं अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि साहित्य जो होता है वो किसी की बपौती नहीं होता है, यह जबान किसी की बपौती नहीं। जाहिद भाई, मैं आपको इसमें बीच में रोकता हूँ जी, कि जाहिद भाई मुझे वो बचपन याद आता है जब क्योंकि जो थिएटर जी सही मायने में अभिनय की जो क्या नाम जो एक लैब होती है वो थिएटर होता है, वो थिएटर से भी पहले जो मैं लैब मानता हूँ वो होती है रामलीला होती है जी। और हमने बचपन में रामलीला भी साथ की जी, 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 जी। स्टेज भी एक साथ गाड़े हैं हाँ, हाँ। और हमने फिल्म क्षेत्र में भी आगे बढ़े हैं। और एक परिचय और देना चाहूँगा जाहिद भाई का, फिर आगे मैं बात बढ़ाऊँगा। जाहिद भाई की जो भतीजी हैं जी, वो एक अपने हिंदू परिवार में ही विवाह हुआ है जी, जी, अपने क्या नाम उनका व्यवसायी परिवार है बहुत झुंझुनवाला, झुंझुनवाला परिवार योगेश झुंझुनवाला जी। और ये एक जाहिद भाई के आदरणीय पिताजी हाजी साहब, मेरे पिताजी और अरविंदर सिंह लवली जो शिक्षा मंत्री रहे दिल्ली के, टूरिज्म मिनिस्टर है, उनके पिताजी जी दोस्त बलविंदर सिंह, ये तीनों हाँ। बड़े अच्छे दोस्त होते थे और हाँ। क्या नाम रामलीला जब एक साथ खेलते थे। और मेरा ये मानना है कि इसके बाद अभी आपने और भी चीज़ देखी, जब आपको उस समय कैसा लगता है कि जब एक अक्षय कुमार का की फिल्म का एक गीत है जिसमें वो मिट्टी में मिल जावा कुछ ऐसा गीत है, इतना चर्चित गीत है मुंतशिर साहब का, मनोज मुंतशिर का वो गीत है, वो गीत और वो इतनी शानदार कंपोजिंग होने के बावजूद भी निचले पायदान पर आ जाता है और एक रॉक सॉन्ग को क्या नाम एक वो मिल जाता है, पुरस्कार मिलता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पता चलता है कि जो बॉलीवुड की जो बॉलीवुड साहित्य से कटता जा रहा है, और कहीं ये दर्शकों की सुनने वाली बड़ी वाली बात है कि दर्शक भी क्या इसी प्रकार के, मैं उस गाने को इतने श्रेष्ठतम गीत को जो एक देश प्रेम से लबरेज जो गीत था वो कहीं नीचे आके गिरता है, और एक हुड़दंगता से भरे हुए गीत जिसको हम पॉप सॉन्ग बोल सकते हैं, जिसको हमको वो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, तो उस पर आपके क्या कहना है उसका? देखिए ये जो है ना फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर पहली सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं अभी किसी सरकार का नाम नहीं लूँगा क्योंकि सब लोग परिचित हैं कि हम लोगों के ऊपर कौन सी सरकार ने राज किया है, और लोग मुझसे इस बात से जो है नाराज़ भी हो जाते हैं कि आप इस 2014 के बाद वाली सरकार को राष्ट्रवादी सरकार कह रहे हैं, तो मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ज़माना कह रहा है, हम हिंदुस्तान के मानचित्र पर आज नज़र आ रहे हैं। और मैं अपने प्रधानमंत्री का भी नाम नहीं लूँगा, प्रधानमंत्री ने खुद नाम लेने के लिए मना किया है, उन्होंने कहा है कि मैं प्रधान सेवक हूँ, प्रधानमंत्री नहीं हुआ मैं। अभी क्या है कि आपने एक दौर था जब महमूद साहब की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था क्वारा बाप, जिसके अंदर एक बहुत ज्वलंत समस्या को उठाया गया था, तो देश की उस वक्त बहुत बड़ी समस्या थी, वो थी पोलियो। पोलियो तो, और उस फिल्म को पूरे हिंदुस्तान की जो आवाम थी उसने बहुत पसंद किया था। उसी के पैरेलल एक फिल्म आती है रोटी और कपड़ा मकान, जिसके अंदर जो है मौसमी चटर्जी का एक रेप होता है, जिसके अंदर वो आटे के अंदर होता है, जिसको हमारे जो बुद्धिजीवी थे, जिनको मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, कि उसको सर्वश्रेष्ठ सीन के दर्जा दे दिया गया आटे के अंदर रेप। मतलब मैं बड़ा है सोच करके जो है मैं कांप उठा कि अगर आटे में रेप हो रहा है तो इसमें कौन सी नई एक नई हमने क्रिएटिविटी जो है दिखा दी है, बता दी है। और जो है वो पोलियो की रेस को जो है आपने फिल्म को फिल्म फेयर से बाहर कर दिया गया था। अब वही बात आ रही है कि मनोज मुंतशिर का गाना जो है घर घर के अंदर जो है लोगों ने सुना, लोगों के अंदर एक ऊर्जा पैदा करता है, ऊर्जा भी पैदा करता है, लोगों ने पसंद भी किया, देशभक्ति से लबरेज है। उस गाने को हटा करके जो है आप जो है वो कौन सा गाना, वो ब्लू ब्लू वाला कोई गाना सुना देते हैं, और वो एक मिक्का सिंह का एक गाना आता है, वो क्या था, जहन से निकल गया, देखिए वो ऐसा गाना है कि मेरे जहन में नहीं आ रहा, आप उसको ले जा करके जो है वो पहले पायदान पे खड़ा कर देते हैं। तो ये एक बहुत सोची समझी हुई एक साजिश है, जिसको जो है हम क्या कहें कि हम, मेरे पास उस तरह के अल्फाज नहीं है। एक गाना और भी है उसके बारे में, क्या कहें कि बेशर्म रंग,
हाँ बेशम बेशम रंग उस पे, क्योंकि मतलब आपकी मुझे सोच मुझे पता है क्योंकि आप मेरे बचपन के साथ ही हैं। और लेकिन कोई आप ऐसा कोई नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जो एक हम सिनेमा या आज एक आधुनिकतम जो तकनीक है ओटीटी के प्लेटफॉर्म है ओटीटी के माध्यम से कोई ऐसी चीज जो समाज के लिए सर्वग्राह्य हो ऐसा कोई चीज आप लेके आ रहे हैं क्या? देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि बीइंग एक राइटर मैं आपको बताऊं जो लोग कहते हैं कि राइटर जो है समाज का आईना होता है, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं होता साहब समाज का आईना। आईना कोई भी चीज सीधी दिखाता ही नहीं है, आप आईने के सामने खड़े हो जाइए। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बहुत बड़ी बात। जो हम समाज को जो है आईने से जब हम उसकी तुलना करते हैं तो यानी कि हम उल्टा देखने के शौकीन हैं या हम लोगों को आदत पड़ गई उल्टा देखने की, तो मैं उसको ज़रा सीधा करना चाह रहा हूँ। मैं अक्ष जो है वो जिसको हम कहते हैं कि अक्ष मुझे बख्श, अक्ष मुझे बख्श, उससे हम अपनी आवाम को ज़रा दूर रखें, अपनी ऑडियंस को दूर रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब जैसे नए प्रोजेक्ट की बात आपने भी जिक्र किया नए प्रोजेक्ट का, तो मैं अपने नए प्रोजेक्ट के अंदर के अभी मैं दूरदर्शन के लिए जब मैं गया प्रेजेंटेशन के लिए तो हमारे नए सीईओ साहब आए हैं, हमारे नए सीईओ साहब हैं गौरव द्विवेदी जी और मेरी जो हैं हमारे दूरदर्शन की जो ADG हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल कंचन प्रसाद जी, हाँ हाँ, तो उनसे मेरा जब तबादला ख्यालात हुआ तो उन्होंने कहा कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, मैंने कहा मेरा प्रोजेक्ट है विश्वेश्वर रवैया जो भीष्म पितामह ऑफ इंजीनियरिंग है। तो कहने की आपने ये क्यों सोचा, मैंने कहा मैंने ये इसलिए सोचा क्योंकि मेरे मुझे ये ना कहना पड़े, मेरे बच्चों को ये ना कहना पड़े कि ये कौन है। जब ये सब्जेक्ट मेरे पास आया था तो मैंने उस सब्जेक्ट को मैंने पूछा था उससे अपने कंटेंट राइटर से कि यार ये किसका नाम ले रहे हो, बोला सर इसको इनको नहीं जानते। तो मैंने कहा मेरा दुर्भाग्य है ये, हमारे महापुरुषों के बारे में आज हम नहीं जानते, हम अलेक्जेंडर को जानते हैं जिसके ऊपर हमने फिल्म बनाई, हम बाबर को जानते हैं, बाबर की औलादों को जानते हैं, बाबर के पिता को जानते हैं, उसके पुत्रों को जानते हैं, लेकिन हम जो हैं चोल को नहीं जानते, हम मौर्य को नहीं जानते, हम गुप्त को नहीं जानते। तो ये किसका है, ये हमारा दुर्भाग्य है। ये क्या है कि ये हमारी जिम्मेदारी थी एज ए फिल्म मेकर, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी ऑडियंस को या अपने लोगों तक ये मैसेज पहुँचा सकूँ, आने वाली जनरेशन तक ये मैसेज पहुँचा सकूँ। अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ श्रद्धानंद जी के ऊपर, स्वामी श्रद्धानंद, हाँ स्वामी श्रद्धानंद जी के ऊपर बात कर रहा हूँ जिन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था उनके बारे में। समाज में दो ही प्रमुख रूप से संत हुए स्वामी दयानंद महर्षि दयानंद, और महर्षि दयानंद के बाद जिन्होंने सबसे बड़ा जो शुद्धि आंदोलन चलाया, शुद्धिकरण आंदोलन, शुद्धिकरण आंदोलन यानी जिसको बोलते हैं घर वापसी का। जी जी जी। आप एक बड़ा ज्वलंत विषय प्रश्न छोड़ रहा हूँ, हाँ हाँ, क्योंकि क्योंकि आप एक भारतीय मुस्लिम समुदाय से आते हैं। मैं सनातनी मुसलमान हूँ, मैं तो कहता हूँ मेरे वालिद जो थे वो अपने आप को खुद सनातनी कहते थे, अगर आप देखें तो मुझे ये तो मैं सतमोला कवियों के चौपाल की ओर से इस बात को चर्चा को यही विराम देता हूँ। जी।